नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं चाइना का विश्व विजय बनने के फॉर्मूला के बारे में। फ्रेंड्स, भारत आज पूरी तरीके से लॉकडाउन है, भारत के सारे शहर बंद हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो चाइना के सारे शहर खुले हुए हैं। और तो और, चीनी सरकार ने वुहान शहर को भी 8 अप्रैल से खोलने की घोषणा कर चुका है। चाइना में एक भी नेता, एक भी मिलिट्री लीडर और एक भी बड़े आदमी को कोरोना नहीं हुआ है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है, हजारों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हो चुके हैं और अनगिनत लोग घरों में बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में लॉकडाउन भी हो चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। कोरोना वायरस वुहान शहर से निकलकर अब तक दुनिया के कोने कोने तक जा पहुंचा है, लेकिन चाइना के राजधानी बीजिंग और आर्थिक राजधानी शंघाई तक नहीं पहुंचा। आज पेरिस बंद है, न्यूयॉर्क बंद है, बर्लिन बंद है, रोम बंद है और पूरा भारत भी लॉकडाउन है, भारत के सारे शहर बंद हैं। लेकिन बीजिंग और शंघाई खुले हुए हैं, वहां कोरोना वायरस ने कोई दस्तक नहीं दी। बीजिंग वह शहर है चाइना का, जहां चाइना के बड़े बड़े नेता लोग और मिलिट्री लीडर्स रहते हैं, जो चाइना के सत्ता को चलाते हैं। और शंघाई वह शहर है चाइना का, जिसे आर्थिक राजधानी बोला जाता है, वहां वो लोग रहते हैं जो चाइना के इंडस्ट्री को चलाते हैं। चाइना से पूछना जरूरी है कि कोरोना वायरस वुहान से निकलकर दुनिया के हर कोने तक जा पहुंचा, लेकिन वुहान से लगे हुए शहर बीजिंग और शंघाई को क्यों नहीं टच किया। एक समय ऐसा था कि चाइना कोरोना वायरस से जूझ रहा था। वुहान शहर में पर डे लोग हजारों की मात्रा में संक्रमित हो रहे थे, हॉस्पिटल वहां फुल पड़ गए थे, जगह नहीं था हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। लेकिन कुछ ही दिन में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे केसेज भी कम होने लगे, सारे हॉस्पिटल भी खाली होने लगे और अब 4 दिनों से चाइना में एक भी केस सामने नहीं आया है पॉजिटिव कोरोना वायरस को लेकर। और यहाँ भारत की पूरी इकोनॉमी ठप है, पर चीन के सारे शहर खुले हुए हैं और तो और 8 अप्रैल को वुहान को भी खोलने जा रहा है। एक बड़ी बात और, दुनिया भर के सारे शेयर मार्केट आधा से ज्यादा गिर चुके हैं, जिसमें भारत में भी निफ्टी 12,000 से 7,000 हो चुके हैं, लेकिन वहीं चाइना का शेयर मार्केट 3,000 से 2,700 तक ही आ ठहरा। ये जो भी चीजें हैं, इस बात का इशारा करती है कि कोरोना वायरस चीन का बायोकेमिकल हथियार है, जिसे चीन ने दुनिया भर में तबाही के लिए बनाकर छोड़ दिया है। अपने यहाँ कुछ लोगों को मरवाकर चीन ने अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया है। इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि चीन के पास इसका दवा भी है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो चुका है, जैसे हॉलीवुड स्टार्स, ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर, स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को, सभी को कोरोना वायरस हो चुका है। लेकिन चाइना में एक भी बड़े लोग, एक भी लीडर, एक भी मिलिट्री लीडर को कोरोना वायरस ने टच तक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात और, चाइना के प्रेसिडेंट जी पिंग जब वुहान गए थे हॉस्पिटल में सभी लोग को देखने के लिए, तो वो बस एक नॉर्मल फेस मास्क पहनकर गए थे। लेकिन एज ए प्रेसिडेंट जी पिंग को हेड टू टो तक फुल कवर अप होना चाहिए, लेकिन वो बस साधारण एक आम आदमी की तरह बस एक फेस मास्क पहनकर मुआयना करने चले गए। ये सारी चीजें इशारा करती है कि यह वायरस चाइना का पाला हुआ कोरोना वायरस है। चीन काफी लंबे समय तक विश्व के मजबूत ताकत बनने का प्रयास कर रहा है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहा है। चाइना ने इन्फेक्टेड लोगों को, जिसे कोरोना वायरस हो चुका था, उन लोगों को दुनिया के सारे शहरों में भेजा, ताकि और भी देश लोग जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस के चपेट में आ जाएं। जैसे कि एक महिला ने पूरे इटली को तबाह कर दिया, पूरे इटली को ठप कर दिया एक चीनी औरत ने। ये सब करके चाइना एक पावरफुल, एक महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है। यह है चीन का विश्व विजय फॉर्मूला, कोरोना वायरस का प्रयोग कर दूसरे को तबाह करने के लिए। जल्द ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन के योजना के अनुसार कोलैप्स कर जाएगी। चीन को पता है कि वो अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, इसलिए उसने यह पैंतरा अपनाया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्पेन ने चाइना से 432 मिलियन यूरो का मेडिकल उपकरण खरीदा। जिसने वायरस फैलाया, अब वही मेडिकल उपकरण प्रोवाइड करेगा दूसरे कंट्रीज को, लाइक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, फेस मास्क, N95 फेस मास्क और अन्य मेडिकल उपकरण। ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन शुरू की बातें ये हैं कि जब कोरोना वायरस चाइना में वुहान में फैलने लगा, चाइना गवर्नमेंट ने लोगों को एक नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ताकि वहां से लोगों को ठीक करना नहीं बल्कि लोगों में और फैलाना था, और वहां से पूरी दुनिया में फैल जाए, ताकि चाइना वर्ल्ड पे कब्जा कर सके। मान लीजिए ये बात सच भी है कि चाइना ने ऐसा जानबूझकर किया है, लेकिन फिर भी हम या कोई और देश कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पूर्ण रूप से कोरोना वायरस की दवा तैयार नहीं हो जाती। आप भी बतलाएं आपको क्या लगता है, चाइना ने ऐसा किया होगा या नहीं।
और अगर किया होगा तो क्या सारे देशों को चाइना से रिश्ता तोड़ देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।